अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कार्यालय के प्रांगण में शनिवार को भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों ने 1971 में पाकिस्तान से हुए युद्ध के दौरान 16 दिसंबर को विजय हासिल करने के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया। संगठन के अध्यक्ष कैप्टन दुखन सिंह की अगुवाई में मनाए गए विजय दिवस में पूर्व सैनिकों ने तत्कालीन युद्ध का वर्णन करते हुए भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का बखान किया तथा इस युद्ध के दौरान शहादत को गले लगाने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। संगठन के जिला उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट प्रेमतोष प्रसाद ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए आज के दिन की महत्ता पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि संगठन के संरक्षक एवं समाजसेवी आलोक केसरी ने सभी पूर्व सैनिकों को इस अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि सैनिक कार्यालय हुसैनाबाद में होना सभी के लिए गौरव की बात है। हम सभी भाग्यशाली हैं जिनको सैन्य कार्यक्रम में शामिल होने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। बता दें कि 16 दिसंबर 1971 को हमारी सेना ने अपने पराक्रम और साहस के बलबूते पाकिस्तानी सैनिकों को जबरदस्त शिकस्त दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारी सेना ने पराक्रम और अदभ्य साहस से 1971 की लड़ाई में 92,000 पाकिस्तानी फौजियों को भारत के सामने हथियार डालने के लिए विवश कर दिया था। कार्यक्रम के दौरान सैनिक कैप्टन आरसी मेहता, सूबेदार अशरफी पाल, प्रसाद सिंह, राम टहल मेहता, सूबेदार गौरी शंकर ठाकुर, सत्येंद्र शर्मा, अवध माली, लल्लू पासवान, कृष्णा सिंह, कपिल देवराम, संगठन के लेखपाल व मीडिया कर्मी सुभाष कुमार, पूर्व सैनिकों के परिवारजन एवं बक्सी हाई स्कूल के एनसीसी के बच्चे मौजूद रहे। भाग्यशाली हैं जो कि आप लोग यहाँ पर जनता का सेवा करते हुए सैनिकों का सेवा करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा नेता साहब, देखकर सम्मानित करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कराया ए बच्चे, मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, आप लोग बक्सी के ही स्टूडेंट होंगे और मैं भी बक्सी के स्टूडेंट हूँ। आप लोग मेरे ही जैसा बन के और मेरे उम्र में ही आप लोग भरे आएंगे। देश सेवा के लिए ही ये शरीर है, कोई घर के काम करने के लिए नहीं। देश सेवा करोगे स्वर्ग में जाओगे। फूल के अभिलाषा तो तुम लोग पढ़े ही होगे। फूल के अभिलाषा क्या है? उसी तरह से वीरों के पैरों तरु कुचलने के लिए तैयार है, लेकिन सुरबाला के माथे पर चढ़ने के लिए कभी तैयार नहीं। जय हिंद। स्वागत करेंगे बच्चों।